अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन अदर वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब की हिस्ट्री कैसे डिलीट कर सकते हो। यूट्यूब पर दो तरह की हिस्ट्री होती है, एक वॉच हिस्ट्री, एक सर्च हिस्ट्री। तो आप इन दोनों को कैसे डिलीट कर सकते हो, आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, तो मैं आगे हूँ बात की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने यूट्यूब की हिस्ट्री डिलीट करने के लिए आपको अपने यूट्यूब ऐप को ओपन करना है। यूट्यूब ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी जीमेल का लोगो दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको अपने जीमेल का लोगो दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने वॉच किया है वो यहाँ पर आ चुका है। अब आप चाहते हैं कि आप उसको डिलीट करें तो सबसे पहले आपने यहाँ पर व्यू ऑल पर करना है। अगर आप व्यू ऑल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर किसी वीडियो के थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आ जाता है रिमूव फ्रॉम वॉच हिस्ट्री। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक वीडियो रिमूव हो जाएगी। तो आप चाहते हैं सारी वीडियोस को एक क्लिक में रिमूव करें तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है थ्री डॉट का। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको मिल जाता है क्लियर ऑल वॉच हिस्ट्री। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके जो सारे वीडियो हैं ये सारे रिमूव हो जाएंगे। मैं आपको इसी ट्रिक बताऊंगा, एक क्लिक करने पर ये सर्च हिस्ट्री भी रिमूव हो जाएगी और वॉच हिस्ट्री भी डिलीट हो जाएगी। तो वो क्या करना है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर रिमूव करता हूँ तो एक रिमूव होता है। आप चाहते हैं एक क्लिक पर ये वॉच वाले भी रिमूव हो जाएँ और ये सर्च वाले भी रिमूव हो जाएँ, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ पर सेटिंग वाले पर क्लिक करना है। सेटिंग वाले पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मैनेज ऑल हिस्ट्री, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके मोबाइल में जितने भी जीमेल लॉगिन होंगे वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब आपने यहाँ से वो जीमेल सेलेक्ट करना है जिस जीमेल से आपका यूट्यूब चल रहा है। तो मेरा यूट्यूब जिस जीमेल से चल रहा है मैं उस जीमेल को सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरा यूट्यूब इस जीमेल से चल रहा है। जो पहले नंबर पे मेरा यूट्यूब इस जीमेल से चल रहा है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। आपका अभी यूट्यूब जिस जीमेल पर चल रहा है आपने उस पर क्लिक करना है। आपने यहाँ पर वेट करना है, वेट करने के बाद आपने यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपकी जो भी हिस्ट्री है आ जाएगी सारी, सर्च हिस्ट्री और वॉच हिस्ट्री यहाँ पर दोनों शो हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपको डिलीट वाला दिख रहा होगा, डिलीट वाले पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर डिलीट वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिलीट ऑल टाइम, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिलीट, आपने डिलीट वाले पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डिलीट वाले पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, डिलीशन कंप्लीट, आपकी जो वॉच हिस्ट्री और सर्च हिस्ट्री है वो सारी डिलीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर गोट पर क्लिक करना है। गोट पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से बेक आ जाना है। तो मैं यहाँ से बेक आ जाता हूँ। यहाँ से बेक आने के बाद आपने एक बार रिफ्रेश कर देना है। तो मैं इसको दोबारा चलाता हूँ यूट्यूब को। आपने एक बार क्लोज करके यूट्यूब ऐप को दोबारा चलाना है और यहाँ पर आपकी हिस्ट्री है जो सारी रिमूव हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर एक भी वीडियो नहीं है, ये जो नीचे है ये वाली प्लेलिस्ट है जो वॉच हिस्ट्री है वो यहाँ पर नहीं है। ये देख सकते हैं दिस लिस्ट हैज़ नो वीडियोस, कोई भी वीडियो नहीं है। मैं आपको सर्च वाले दिखा दूँ तो यहाँ पर सर्च हिस्ट्री भी नहीं है। यहाँ पर पहले सर्च वाली हिस्ट्री थी वो भी डिलीट हो चुकी है। तो आप ऐसे जितने जीमेल का हिस्ट्री रिमूव करना चाहें कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय।